नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम्। श्री शनि देव भक्तन हितकारी जय 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 शनि देवा जय जय शनि देवा जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी जय 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 शनि देवा जय जय शनि देवा जय जय श्री शनि देव भक्त जय 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 शनि देवा जय जय शनि देवा। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी छाया महतारी सूरज के प्रभु छाया महतारी छाया महतारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी जय 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 शनि देवा जय जय शनि देवा। अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी चतुर्भुजाधारी श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी चतुर्भुजाधारी नीलांबर धारनाथ गज की हसवारी शीश सहज दीपक है लिलारी दीपक है लिलारी पीठ मुकुट शीश सहज दीपक है लिलारी दीपक है लिलारी मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी और मिष्ठान चढ़े चढ़ती पान सुपारी मोदक और मिष्ठान चढ़े चढ़ती पान सुपारी लोहा तिल तेल उड़त महिषी है अति प्यारी लोहा तिल तेल उड़त महिषी है अति प्यारी देव धनुष ऋषि मुनि सुरत और नर नारी देव धनुष ऋषि मुनि विश्वनाथ भरत ध्यान हम हैं शरण तिहारी विश्वनाथ भरत ध्यान हम हैं शरण तुम्हारी जय 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 शनि देव 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 सत्य वचन देव ऋषि। ये सब देखने के बाद आपको कैसे विश्वास हो सकता है प्रभु? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है प्रभु। आपके इस आश्चर्य और शंका का निवारण है मेरे पास। शंका का निवारण है तो फिर प्रतीक्षा किस बात की प्रभु? वैसे भी नारद मुनि के शंका का समाधान जितनी जल्दी हो जाए उतना उचित है प्रभु।
अन्यथा ये मूड मुनि व्याकुल होकर सारे स्वर्ग को सर पर उठा लेगा। देवऋषि आप तो आवश्यकता से अधिक व्याकुल हो जाए, थोड़ा धीर रखिए मुनिवर। अब धीर और धैर्य तो देवों के आभूषण हैं, ये साधारण मुनि इन्हें कैसे धारण कर सकता है प्रभु? बस आप तो शंका का समाधान कराइए। ठीक है नारद, मैं आपको कोकिला वन लेकर चलता हूँ, वहाँ आपकी समस्त शंकाओं का निवारण हो जाएगा। कोकिला वन, ये कहाँ है प्रभु? नंदगांव के पास है कोकिला वन। नंदगांव वही ना जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? हाँ वही नंदगांव, उसी के पास है कोकिला वन जहाँ मेरा एक प्राचीन मंदिर है। अच्छा, आज से 250 वर्ष पूर्व वहाँ किसी एक व्यापारी ने बनाया था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तीनों लोक के देवता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा मन में लिए वासुदेव और यशोदा के घर पहुंचे थे। सभी देवताओं ने तो प्रभु दर्शन का लाभ लिया, किंतु ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। माता यशोदा ने मुझे भगवान के दर्शन से ये कहकर वंचित कर दिया कि मेरी दृष्टि वो अपने लाल पर नहीं पड़ने देना चाहती। उनके इन वचनों ने मुझे क्रोधित कर दिया और मैं इस अपमान की आग में जलता हुआ पास के कोकिला वन में आ गया। माता यशोदा माँ थी, इसलिए पुत्र के मोह के वशीभूत वो हमारी भावना नहीं समझ सके, परंतु प्रभु तो अंतर्यामी थे। जब उन्हें सारे प्रकरण का पता चला तो वो विराट रूप धारण कर कोकिला वन में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा याचना की। प्रभु के दर्शन मात्र से ही मेरा सारा क्रोध, मेरे भीतर प्रज्वलित अपमान की अग्नि एक ठंडे नीर के समान बहती जलधारा बनकर बह गई और मेरा चित्त शांत हो गया। मैंने उनसे विनती की कि मैं बाल रूप में उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने मुझे कोकिला वन में अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने का वचन दिया और ये भी कहा कि माता यशोदा अपनी भूल सुधारने हेतु स्वयं कोकिला वन में मेरी पूजा करने आएंगी। एक वचन उन्होंने मुझसे भी ले लिया कि मैं अपनी कुदृष्टि व्रजभूमि की तरफ ना करूं। उसके पश्चात भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ही माता यशोदा ने यहां आकर मेरी पूजा की। तभी से मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के मोह में कोकिला वन में रह रहा हूं। महाराज, अब मेरा धैर्य छूटा जा रहा है, आप शीघ्र कोकिला वन चलिए। जैसी देवऋषि की इच्छा, चलिए। चलिए प्रभु। देवऋषि, ये है वो मंदिर जहां मेरा सदियों से वास है। मेरे भक्त बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ आते हैं और पूजा आराधना करते हैं। परंतु प्रभु, मुझे तो अभी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस धरती पर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो आपकी भक्ति सच्चे हृदय और निस्वार्थ भावना से करते हैं। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ मुनिवर। वो देखिए, वो है मेरी सच्ची भक्त। उसकी पूजा में आस्था है, विश्वास है, उसकी भावना निस्वार्थ है। ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु। तो आप स्वयं जाकर सत्य की पुष्टि क्यों नहीं कर लेते देवऋषि? जाइए देवऋषि और जा